देख रहे हैं नेक्सन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास अपडेट में आपका स्वागत है। वीवो आईपीएल 2019 का सफर जारी है और सभी टीमें शुरुआत से ही प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बेकरार है। यहां पे अच्छे गेम दिखाना चाहती हैं और आज ऐसी दो टीमों के बीच मैच होने वाला है जो दोनों टीमें इस अभी तक के आईपीएल सफर में शानदार तरीके से मैच खेली हैं, जीत के साथ आगे बढ़ रही हैं और आज इन दोनों का पहला मुकाबला होने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स के साथ। ये मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में खेला जाएगा और इस मैच में क्या रणनीति होगी ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। दिल्ली कैपिटल्स को पिछले मुकाबले में पंजाब के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, वहीं हैदराबाद की टीम ने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करके विराट कोहली की टीम आरसीबी को हराया था। वह वो हाई स्कोरिंग मैच था, बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली डेविड वार्नर जॉनी बेरिस्टो द्वारा। और आज के मैच में क्या ये दोनों बल्लेबाज उसी तरीके की बल्लेबाजी दिखाएंगे, बाकी कौन से बल्लेबाज होंगे जो बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, इसी सब को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी हैं, नेक्सन स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। सर, क्या लगता है ये जो दोनों टीमें हैं, दिल्ली कैपिटल्स जो पिछले साल तक दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करती थी, नीचे रहा करती थी, सातवें नंबर, आठवें नंबर, छठे नंबर पे, इस बार ये टॉप पे है, बेहतरीन गेम दिखा रही है, आज हैदराबाद के सामने किस तरीके का गेम दिखाएगी दिल्ली? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है लव कि आज सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो दिल्ली के किले में आ चुकी है और दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान जो है ये खासकर दिल्ली की टीम को बड़ा रास आ रहा है पिछले सीजन के बाद। हालांकि पिछले सीजन में काफ़ी ख़राब प्रदर्शन रहा था लेकिन अपने घर में जो आखिर के मैचेस थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से खेले हैं दिल्ली ने। दूसरी बात, दिल्ली के साथ जो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट जो इनके पास है, इनके पास डोमेस्टिक के जो युवा खिलाड़ी वो ज़बरदस्त फॉर्म में है, चाहे वो पृथ्वी शॉ आप देख लीजिए, हर्षल पटेल को देख लीजिए या फिर ऋषभ पंत को देख लीजिए। ये तीन चार खिलाड़ी ऐसे मिल गए हैं भारत को आने वाले समय में जो लंबे समय तक टिक सकते हैं और माइकल वॉन ने खुद कहा था कि पृथ्वी शॉ में उनको वीरेंद्र सहवाग की झलक दिखती है। लेकिन सामने अगर सनराइजर्स हैदराबाद हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से दिल्ली का जो बैटिंग कोलैप्स हुआ था 144 पर 3 के बाद से सीधा 150 पे बुक अगर हो जाती है कोई टीम तो जाहिर तौर पर आपकी बल्लेबाजी पर सवाल उठते हैं। आपकी टीम अच्छी है, आप नए रूप में नज़र आए हैं इस बार साल 2019 में, लेकिन बहुत ज़रूरी है दिल्ली के लिए भी कि अब आप बड़े मैचेस को जीतें। अगर आप बड़ी टीमों को नहीं हराएंगे, आरसीबी को हराना आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है विराट कोहली की अकड़ उस टीम को ले डूबी है। लेकिन जब आप बड़ी टीमों से भिड़ते हैं, जब आप चेन्नई जैसी टीम से भिड़ते हैं, जब आप सनराइज़ हैदराबाद जैसी टीम से भिड़ते हैं, तो फिर आपको पता लगता है कि आप एटलीस्ट कितने पानी में हैं और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं। दिल्ली को नो डाउट उनके घर में हराना कहीं से भी मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन ये भी है कि दिल्ली अपने घर में बहुत स्ट्रांग भी है, तो मुझे लगता है कि हैदराबाद के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आज होगा। तो हैदराबाद के लिए चैलेंज तो है, दिल्ली इस सीजन में अब तक दो मुकाबले अपने घर में खेले, आज तीसरा मुकाबला खेलेगी। पहला चेन्नई के साथ था, वहाँ पे चेन्नई ने बड़ी आसानी से मैच जीत लिया था। दूसरा मुकाबला कोलकाता के साथ था जहाँ पे पृथ्वी शॉ 99 रन बनाकर आउट हो गए, गलत तरीके से आउट हुए, उसके बाद सवाल भी उठा और वो मैच सुपर ओवर में गया था, सुपर ओवर में दिल्ली मैच जाकर जीती। आज तीसरे मैच में क्या लगता है दिल्ली की जो बल्लेबाजी है, जो पिछले दो मैच जो कोलकाता के खिलाफ था और जो पंजाब के खिलाफ था, जिस तरीके की बल्लेबाजी देखने को मिली उसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए कि आपके पास दो तीन बड़े नाम हैं, आप उन्हीं के भरोसे जा रहे हो, बाकी खिलाड़ी आपके कुछ कर नहीं पा रहे। गेंदबाजी जरूर बेहतरीन है, कसिबो रबाडा ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, तो आप एक गेंदबाज जो आपका मैच जिताया सुपर ओवर में, रबाडा ने मैच जिताया, लेकिन बाकी बल्लेबाज अपनी भूमिका सही से निभा नहीं पा रहे यहाँ पे। देखिए क्या है लव, सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में जो भारतीय टीम का हाल है वो थोड़ा दिल्ली की टीम का भी हाल है, इंस्टेंट कोलैप्स का ये शिकार हो रही है टीम, क्योंकि पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर मिलके ये लोग रन्स तो बना रहे हैं लेकिन आपका डाउन दी ऑर्डर आपके पास ऐसा बल्लेबाजी क्रम नहीं है। हनुमा विहारी को ज़रूर एक अच्छी प्राइस पर खरीदा है दिल्ली ने लेकिन अभी भी हनुमा विहारी उस तरह का खेल नहीं दिखा पाए हैं जिस चीज़ के लिए हम उन्हें देखना चाहते हैं। नो डाउट वो बहुत अच्छे टेस्ट प्लेयर हैं और जैसे जैसे गेम होता जाएगा वैसे वैसे वो सीखते जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद को हराना है और ऐसे क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के सामने अच्छी बल्लेबाजी करनी है तो आपकी शुरुआत के तीन चार बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे। शिखर धवन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लगे हैं इस पूरे सीज़न में अभी तक, टिल नाउ, हो सकता है आने वाले सीज़न में वो रन्स बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि शिखर धवन को आप फॉर्म में आना ज़रूरी है। अगर गब्बर फॉर्म में रहेंगे तो फिर दिल्ली को हराना मुश्किल हो जाएगा, ये बात तो तय है, क्योंकि अगर आप दो तरीके से हरा सकते हैं, आप अच्छी गेंदबाजी ही करेंगे और दूसरी बात आपको एक बड़ा टारगेट सेट करना पड़ेगा, क्योंकि सनराइज़ हैदराबाद अब तक हम मानते थे कि चलिए बल्लेबाजी में कमज़ोर उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जॉनी बेरिस्टो और डेविड वार्नर जिस हिसाब से प्रचंड फॉर्म में है, डेविड वार्नर तो साफ दिख रहा है कि वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, एक साल के बैन के बाद ही इज़ कमिंग बैक और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है ये हम कह सकते हैं कि इस बार सनराइज़र्स हैदराबाद की टीम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, टफ है और यहाँ पर दिल्ली के लिए एक
बड़ा चांस है कि आप अगर बड़ी टीम को हराते हैं, अपने घर में हराएंगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि जब आप अपने घर के मैचेस लूज़ करते हैं तो फिर आपके पास आईपीएल टूर्नामेंट में कुछ नहीं रह जाता, आप बाहर के मैदानों पर नहीं जीत सकते। जैसे कोलकाता अपने घर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद चेन्नई अपने घर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दिल्ली को समझनी पड़ेगी। या तो अगर उस फहरिस्त में शामिल होना है कि आपको हर सीज़न में बिल्कुल नीचे ही रहना है, तो फिर ऐसे मुश्किल हो जाता है। वैसे दिल्ली मुझे प्लेऑफ्स में जाती दिख रही है। तो प्लेऑफ में जाती दिख रही है। आज हैदराबाद की टीम को आप कैसे देखते हो? पिछले मैच में दो बल्लेबाज जो ओपन करने आए थे, दोनों ही शतक जड़े, और T20 मैचेस में आमतौर पे ये बहुत कम देखने को मिलता है कि दो दो बल्लेबाज एक ही पारी में शतक जड़े। तीसरी बार हुआ है ऐसा। बेहतरीन पार्टनरशिप भी हुई, 185 रन की पार्टनरशिप हो गई थी, उसके बाद जाके पहला विकेट गिरा था। आज ये दोनों बल्लेबाजों को कैसे देखते हो? दोनों नंबर वन नंबर टू पे ऑरेंज कैप डेविड वार्नर के पास है, तीन मैच खेले अभी तक, दो में और शतक, एक में शतक, और जॉनी बिरिस्टो दूसरे नंबर पे 158 रन बना के। आज इन दोनों के सामने दिल्ली के गेंदबाज को कहाँ देखते हैं? देखिए लव, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दिल्ली का बैटिंग लाइनअप है, हम ये नहीं मान सकते कि दिल्ली के पास बैटिंग नहीं है। दिल्ली के पास बहुत अच्छी बैटिंग है, लेकिन जब आप फिरोज शाह कोटला में खेल रहे होते हैं तो आपको स्पिनर्स आपके बेहतर करने चाहिए। अभी तक दिल्ली थोड़ा सा बेरंग दिखी है इन टर्म्स ऑफ बोलिंग, स्पिन बोलिंग डिपार्टमेंट जो है वो उनका काफ़ी कमज़ोर दिखा है। अमित मिश्रा की गुगली चल नहीं रही है, उसके बाद राहुल तेवतिया को ज़्यादा मैचेस नहीं मिल रहे हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आप किन खिलाड़ियों को लाना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कोलिन मुंड्रो को लाते हैं कोलिन इंग्रम की जगह, तो मुंड्रो भी जो है वो आपको स्पिन भी डाल सकते हैं, प्लस लंबी लंबी हिटें भी मार सकते हैं, और कोलिन इंग्रम एक अच्छे बैट्समैन है, उन्होंने दिखाया है ये चीज़। और दिल्ली में क्या होता है ना कि बॉल थोड़ा सा फंस के आता है, यहाँ पर बल्लेबाज को खींच के मारना पड़ता है, तो पावर हिटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग इन फिरोज शाह कोटला। तो ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है दिल्ली को भी कि भैया अगर आप एक क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप, यहाँ पर इनके पास यूसुफ पठान है, हालांकि उनकी ज़रूरत अभी पड़ी नहीं है, राशिद खान है, मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटर, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच उनका बेहद ही कमाल कर रहा था आरसीबी, और मोहम्मद नबी का मुझे अभी भी याद है, जब से मैंने क्रिकेट देखा है तो मुझे लगता है कि मोहम्मद नबी इंग्लैंड में खड़े थे, एक अकेडमी में देखने गए थे मैच, और उसके बाद उनको क्या उनके दिमाग में आया और उसके बाद वो एक बेहतरीन क्रिकेटर बने हैं। यहाँ पर राशिद खान मोहम्मद नबी को खेल पाना बिल्कुल आसान नहीं होगा, प्लस संदीप शर्मा बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इनके लिए, भुवनेश्वर कुमार थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म दिखे हैं, थोड़ा बहुत भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं उनका घमंड भी देखने को मिल रहा है, नहीं भैया हम नहीं करेंगे, हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, और प्रदर्शन नहीं हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं अभी भारत को ये माफ़ कीजिएगा दिल्ली कैपिटल्स को देखना है कि आपको टैकल कैसे करना है, क्योंकि अगर आपने काउंटर अटैक नहीं किया सनराइजर्स हैदराबाद को, तो ये ऐसी टीम है कि आपको किसी भी मैदान पर आप इनसे भिड़ जाओ ये आपको बहुत बुरी तरह हराएंगे। तो किसी भी मैदान पर भिड़ जाओ, आज के प्लेइंग इलेवन को क्या देखते हो? दिल्ली की अगर बात करें तो प्लेइंग इलेवन में क्या कोई बदलाव होंगे? पिछला मैच जो पंजाब के साथ खेली थी हार गई थी, हालांकि वहाँ पे या सेम प्लेइंग के साथ जाएंगे या फिर बदलाव करके यहाँ पे? मुझे लगता है आज हनुमा विहारी की जगह किसी और को शामिल किया जा सकता है, एक ही एकमात्र ये चीज़ है, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है स्टार्टिंग से कि पृथ्वी शॉ शिखर धवन की पार्टनरशिप लंबी नहीं चल रही, लेकिन श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ ने अब तक दिल्ली को बना के रखा है। जैसे हम कहते हैं गेम बनाएगा नहीं, इस जो आईपीएल की टैगलाइन है, तो इन युवा क्रिकेटर्स ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, और इन तीनों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दिल्ली की टीम। अगर आपको अपनी टीम को जिताना है, हो सकता है शिखर धवन को भी बाहर बिठा दिया जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि शिखर धवन बैठेंगे यहाँ पर। पिछले मैच में शिखर धवन ने श्रेयस अय्यर के साथ अच्छी पार्टनरशिप की थी। पार्टनरशिप से होता नहीं है ना, जब आप एक सीनियर खिलाड़ी हो आपको बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, अगर आप बड़ी पारी नहीं खेलोगे तो आप सीनियर खिलाड़ी किस काम के? अगर हम यहाँ पर बैठे हैं हम काम नहीं करेंगे तो हम ऑफिस क्यों आए? सिंपल सी बात। तो ये सारी चीज़ें देखने की बात है कि भैया आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाह रहे हैं। अगर आप यही सोचेंगे कि हमारा नंबर चार तक ही रन बनाना है, नंबर पाँच तक ही, तो फिर डाउन दी ऑर्डर अगर सनराइजर्स हैदराबाद ने कहीं लगा दिए लंबे रन, तो आपके लिए बनाना आसान नहीं होगा। और 160 170 दिल्ली की पिच पर बहुत ज़्यादा होते हैं बनाने के लिहाज से। तो यहाँ पे दिल्ली को, सनराइजर्स हैदराबाद को की टीम को कैसे देख रहे हो? यहाँ पे कोई बदलाव होंगे पिछले मैच में जो खेल रहे थे या सेम प्लेइंग? देखिए मुझे नहीं लगता कि सनराइजर्स हैदराबाद को बदलाव की ज़रूरत है, ये इसी प्लेइंग 11 के साथ आईपीएल भी जीत सकते हैं, इतना ये टीम दम रखती है, इनके पास अच्छा बैटिंग लाइनअप है। केन विलियमसन पिछला मैच नहीं खेल रहे थे, वहाँ पे चोट से परेशान है, हो सकता है कि आज का मैच खेले वो, अभी कुछ अपडेट आई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर केन विलियमसन नहीं भी खेलते तो इनका बैटिंग लाइनअप इतना स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली वार्नर के आने के बाद इनकी ओपनिंग की समस्या पूरी खत्म। आज वार्नर फिर से शतक लगा सकते हैं, वार्नर जिस तरह की प्रचंड फॉर्म में है वो कुछ भी कर सकते, और दिल्ली का मैदान उनको खासा रास आता है, यहाँ पर दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए वो खेल भी चुके हैं पहले, तो कहीं ना कहीं डेविड वार्नर एक ऐसा ट्रम्प
कार्ड है सनराइज हैदराबाद के पास कि वो 20 ओवर खेल रहे हैं, ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर वो अपनी विकेट को जो है वो थ्रो करके नहीं जा रहे हैं। उनको पता है कि मुझे 20 ओवर खेलना है, पर अगर मैं 20 ओवर खेलूंगा तो जाहिर सी बात है मेरी टीम 180 से 200 बनाएगी। तो आखिरी मेरा सवाल है, आज की टीम आपके हिसाब से पहली नज़र में देख के क्या लगता है, कौन सी टीम जीतेगी? मुझे लगता है कि चांसेस थोड़ा सा पलड़ा भारी है सनराइज हैदराबाद का, लेकिन मतलब मैं चाहता हूँ कि दिल्ली जीते क्योंकि दिल्ली की टीम बड़ी मेहनत कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत जानदार रहा है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की टीम में भी वो दम है। तो देखना होगा कि कौन सी टीम यहाँ पे जो बेहतर गेम दिखाएगी, जाहिर सी बात है वही जीतेगी। आप क्या चाहते हैं कौन सी टीम जीते, यहाँ पे कमेंट्स के जरिए राय बता सकते हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, और आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।